हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्न कर रहे हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। चलो स्टार्ट करते हैं इसे एग्जांपल लेकर। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5। ओके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मोर देन 4 की कैटेगरी में है। तो अच्छा, हम उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने इसको ब्लू डॉट से शो किए हुए हैं नाइट्रोजन के। ओके, जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर देन 4 की कैटेगरी में आता है, तो वो नॉन मेटल होता है। ओके, रिमेंबर वन थिंग, मेटल नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अच्छा, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? रिमेंबर वन थिंग, टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट इट रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख रहे हो यहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। उसे ऑक्टेट कम्प्लीट करना है, ओके, उसे अपनी अष्टक स्थिति पूर्ण करनी है, तो वो उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन आइदर वो गेन करेगा या शेयर करेगा किसी और पार्टनर से। तो उसे हमने क्रॉस इलेक्ट्रॉन से बताया है, 1 2 3। इज दैट क्लियर? जो ये डॉट और क्रॉस वाला कॉम्बिनेशन है इसे हम बॉन्ड पेयर कहेंगे, क्योंकि वो बॉन्ड बना है। इज दैट क्लियर? सो ये फर्स्ट बॉन्ड पेयर है, सेकंड बॉन्ड पेयर है, थर्ड बॉन्ड पेयर है। दैट मींस नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। और यहाँ पर देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी नाइट्रोजन के बच गए हैं, जिस जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, तो आप उसे कहोगे लोन पेयर, जो बॉन्डिंग के लिए यूज नहीं होगे। सो नाइट्रोजन हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, उसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 लास्ट में नजर आ रहे, देखो 6, तो वो भी मोर देन 4 की कैटेगरी में आएंगे। ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगेन ये भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन या शेयर करेगा। ओके, डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग पार्टनर के हिसाब से। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, और ये कितने हैं, 2 है। तो दैट मीन्स 6 + 2 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगी, 1 2। सो देख रहे हो आप, ये उसके क्या है, बॉन्ड पेयर। मैंने कहा ना, डॉट और क्रॉस जो रहेगा वो रहेगा बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, और ये देखो 2 पेयर ऐसे हैं कि जो बॉन्डिंग के लिए यूज ही नहीं हुए, तो इन्हें वो क्या कहेंगे, लोन पेयर। समझ रहे हो? फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके कितने हैं, 7, मोर देन 4 की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो चलो हम उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, ये उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ओके, अभी यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए उसे कितने चाहिए, 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या शेयर करेगा। ओके, तो हम उसे क्रॉस से बनाएंगे, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बनाना होगा, सो ये बना दिया हमने। तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, बॉन्ड पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, 1। ओके, और देखो कितने लोन पेयर आ रहे नजर आ रहे हैं, 3, जो बॉन्डिंग के लिए यूज ही नहीं हुआ है, 3। समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 है। ओके, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो यहाँ पर मैं उसे मोर देन 4 की कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ, वो नॉन मेटल नहीं है, क्योंकि पहले हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, इनर्ट गैस कहते हैं उसे, नोबल गैस भी कहा जाता है उसे, रेयर गैस भी कहा जाता है, और जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। ओके, ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ये डोनेट भी नहीं करता है, गेन भी नहीं करता है, और शेयर भी नहीं करता है। ओके, समझ में आया आप सभी को? सो आप देख रहे हो इसमें कोई भी बॉन्ड पेयर नहीं बनेगी, समझ रहे हो? ओके, कोई भी क्रॉस नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर चारों के चारों क्या है, लोन पेयर है। और एग्जांपल देखते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन 5, मोर देन 4। ओके, तो हम उसके सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहे हैं हम, 5, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 2 3।
तो ये जो थ्री उसके क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो गया, लोन पेयर, सिमिलर टू नाइट्रोजन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखोगे नाइट्रोजन के जस्ट नीचे ही फॉस्फरस का पोजीशन है, तो सेम उनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आएगा। सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 6, अगर आप देखते हो उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगेन मोर देन 4 की कैटेगरी में आएगा, चलो हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके वो ड्रॉ कर लिए है, ये भी क्या है, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, कितने गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1, 2, तो ये जो है ये क्या है, बॉन्ड पेयर बन चुकी है, ये दो है जो वो बॉन्ड पेयर है, अगेन आप देख रहे हो यहाँ पर दो है पेयर नजर आ रही है, ये क्या है, लोन पेयर, तो दैट मीन सल्फर में दो बॉन्ड पेयर होती है और दो लोन पेयर होती है। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, हम उसे करेक्शन कर लेते हैं, वो कितना है, 17 है, वहां पर 9 आ गया है, हम उसे 17 कर लेते हैं, ओके वेट हम उसे करेक्शन कर लेते हैं, उसका 9 नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, ओके 17 है। नेक्स्ट हम जाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8, 7, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है, मोर देन 4 है, तो देखते हैं हम अगेन इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए, ये भी नॉन मेटल है, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1, क्यों, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑक्टेट करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसका मतलब यहाँ पर एक ही क्रॉस आएगा, है ना, क्रॉस इलेक्ट्रॉन है ये, उसके नेबरिंग पार्टनर से वो गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है, चलो देखते हैं, तो वो एक ही बॉन्ड पेयर बना रहा है, और देखो उसमें कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर से। एंड लास्टली अर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2, 8, 8, ऑलरेडी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अगेन ये स्पेशल कैटेगरी, हाँ ये स्पेशल कैटेगरी है, आप सभी ने पता है, जैसे कि आपने देखा था ये नियॉन के केस में, सो ये भी एक नोबल गैस है, रेयर गैस है, इनर्ट गैस है, ये हम 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर चुके हैं, है ना, वो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, रेयर गैस है, जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा, सो यहाँ पर कोई भी बॉन्ड पेयर नहीं आएगी, इसलिए इन्हें नोबल गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है, ये बॉन्ड बनाते ही नहीं है, पर इसमें जो पेयर्स है वो कितने रहेंगे, 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे, सो इस तरह से हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।